ये सारे इतनी सारी बातें हैं ना, हो सकता है मेरी कुछ बातें सुनकर तुम्हें बुरा भी लगेगा। तुम्हें एक्टिंग या एक्टिंग फील्ड क्या लगता है मुझे एक चीज बताओ ना। तुम कहते हो कि 3-4 महीने में अगर कुछ हो जाए, आपके 5 मैसेज में तुमने बोला कुछ काम होगा तो बताइए। तुम्हें पता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 10 साल बाद काम मिला था। तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ था, मेरा कितना कुछ सेक्रीफाइस हुआ, आज तो आगे पीछे सब त्याग होने के बाद अपने को छोटा छोटा काम मिल रहा है। समझकर मैं ये नहीं कहूंगा, जिंदगी में ना ये कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम पब्लिक के लिए करते हो, पब्लिक के करोड़ों लोगों के दिलों में छाने के लिए करते हो। तो तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना कि तुमको जिंदगी में अगर इस लाइन में आते हो तो किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये लिख लो, किसी का भी। और ये 3-4 महीने वाला गेम है ही नहीं है, है ना। यहां पर मैं 70-80 ऑडिशन मतलब सामने खड़े, घर से नहीं सामने, हम लोग बरसात में इतने इतने पानी में जाके और ऐसा कर करके 60-70 ऑडिशन के बाद पहला ब्रेक मिला था। तुम कोई भी आर्टिस्ट का बायोग्राफी पढ़ो और उसका बैकग्राउंड पता करो, चाहे हॉलीवुड का हो चाहे बॉलीवुड का हो। क्या होता है ना, हम तो मोह माया की जिंदगी में चलते रहते हैं तो हमें हर कुछ मोह माया लगता है, लेकिन मोह माया के ऊपर होता है एक मोहब्बत, प्यार, ठीक है। और प्यार के ऊपर का स्टेज होता है जो भगवान के साथ होता है, वो एक भक्ति का है। उसमें कोई आशा नहीं रहता है, कोई लोभ नहीं रहता कि मुझे ये मिल जाएगा तो ये कर लूंगी, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो उसमें लोभ नहीं रहता। जब किसी के जिंदगी में वो भक्ति मार्ग वो जब चुनता है ना, किसी भी फील्ड के लिए हो, चाहे किसी इंसान के लिए हो, चाहे उसके करियर के लिए हो या सरस्वती माँ के लिए हो, ठीक है, तब वो फल देना शुरू करता है। तो इतने कंडीशन में कभी काम ही नहीं होता है। मैं समझ सकता हूं ये तुम्हारे जितने भी मैसेज है, मैं तुम सोच नहीं सकते हो कि मेरे चारों साइड में जितने लोग हैं मेरे को लगभग सेम टू सेम मैसेज करते हैं, और कई लोगों को मैंने कई गाइड किया। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम इतना मोहब्बत ना करो फिल्म इंडस्ट्री से कि तुम्हारा बहुत कुछ छोड़ना पड़े, है ना, मैं नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन यहां अगर तुम देखोगे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं या कुछ भी काम किए, आज मैं भी बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया हूं, लेकिन फिर भी जितना भी काम किया हूं उसके लिए मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया मुझे पता है। तो इस लाइन को अगर तुम ड्रॉप करना चाहती हो फर्दर 2 साल ड्रॉप कर दो, अच्छे से तैयारी करो। ये ऑनलाइन में ऑडिशन ये वो नहीं होता है, हमें पता है यहां पर कौन कौन क्या 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 नहीं कर रहा है, मुझे सब पता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम डिटैच हो जाते हैं तब चीजें नहीं बनती हैं, और कई लोग जो मेरे टच में हैं उन लोग आज कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जो डिटैच है तो कई लोगों को तो ये लगता है कि मैंने सीख लिया, अब तो मैं अपना रास्ता देखूंगी और मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो चांस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हवा में उड़ने लगते हैं, चीजें सारी उतर जाती है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है। कोशिश करो अपने हस्बैंड को लेके अगर मुंबई आ सकते हो, और हस्बैंड को 100% अपने हाथ में लो, और घर का अगर हस्बैंड का थोड़ा भी सपोर्ट मिल रहा तो ये बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे फादर मैंने बोला था 8-8 साल बात नहीं किए, और कितने बहुत बहुत कुछ हुआ जबकि अपने ही दम से हमने सारा कुछ किया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि उतना आसान मत समझो कि तुम्हें 4 ऑडिशन कोई दे देगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड देखना, वो शायद सालों मेहनत करके लगे पड़े, मेहनत तो अलग चीज हुआ, उसके बाद लगे रहते हैं। तो कहते हैं ना, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको पूरा करने की कोशिश में जुड़ जाती है। ये वाला डायलॉग सारे अच्छे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पता है। दिल से जुड़ना मतलब होता है दिन में 5 घंटा टाइम देना, मुंबई इंडस्ट्री के आसपास रहना, हर जगह ऑडिशंस देना, ये सब दिल से चाहना, बोलने से नहीं होता है। बोलने वाला चीज मोह माया होता है। तो तुम्हारी जितने भी ऑडियो है सब में मोह माया दिख रहा है कि मोह है फिल्म के प्रति, नहीं, मोह से कोई भी सक्सेस नहीं होता, चाहे तुम जो भी काम करो, है ना। तो कुछ चीजें हो सकते बुरा लगे, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट है जिसके पीछे मैं बहुत आशा रखा था, क्योंकि मेरा ज्यादा खुशी मिलता जब मेरे स्टूडेंट कुछ करते हैं, दैट इज माई हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो अगर हो सकता है तो एक बार घर में डिस्कस करो, फिर मुंबई में ही टारगेट रखो, अदरवाइज ड्रॉप कर दो 2 साल के लिए, 2 साल और अच्छे से तैयारी करो, आके कम से कम 100 ऑडिशन का टारगेट रखो, ये सोचो कि तुम्हें होगा नहीं,
ये सोच के तुम चालू करो, 100 ऑडिशन दो, देखो उसी में तुम्हारा हो जाएगा। 6 महीने लगे, साल भर रखे, यही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं इस इंडस्ट्री में आने का, ठीक है। और कुछ भी ऐसा सडन कुछ कास्टिंग आता हो बताऊंगा, लेकिन एक कास्टिंग के पीछे हमें 50 लोगों को भेजना होता है, तो वैसे भी काम नहीं हो पाता है ना, है ना। 50 ऑप्शन चाहिए रहते हैं इनको। मैं तो बहुत कास्टिंग किया हूँ, अभी थोड़ा ड्रॉप किया हुआ हूँ, लेकिन हाँ ऐसा रहता है, ठीक है। और भी कुछ रहेगा तो पूछ लो, और इतना तो इंडस्ट्री का मोहब्बत रखो कि तुम दूसरे मोहब्बत को छोड़ के कम से कम 10 मिनट के लिए एक बार अपने टीचर से बात करो फोन में, तब तुम समझ में आएगा। उतना अगर टाइम नहीं निकाल पाते हो, किसी कोई भी सिचुएशन हो, घर में आग लग गया हो, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन मैं उस चीज को नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं रियल डेडिकेशन, और रियल डेडिकेशन के सामने कोई भी चीज छोटा ही होता है। सोच के देखना, मेरी बातों को सोच के देखना, मैं क्या सही बोल रहा हूँ कि नहीं, एक बार सोच के देखना। एक्सक्यूजेस तो सब लोग देते हैं, लेकिन जरा मैं दिल से चाहता हूँ तुम कुछ करो, इसलिए मैं इतना थोड़ा स्ट्रिक्ट बोला, ठीक है। ख्याल रखो अपना।